जैसे कि आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी का वीडियो रहने वाली है। तो आज है अपने पास बजाज की फ्रीडम, जो कि आपको मिलने वाली है फर्स्ट CNG बाइक। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं उसकी बात करेंगे, और गाड़ी का एक फुल वॉकआउट रिव्यू रहेगा। बाकी मोड्स वगैरह की भी बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पर जो शिफ्टिंग वगैरह रहने वाली है, अपनी CNG पर भी आप लोग इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो करेंगे अभी सबसे पहले स्टार्ट। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं बरेली से, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं SR बजाज, जो कि सिचुएटेड है सिविल लाइन में। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनके डिस्क्रिप्शन में भी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो की बात करते हैं, की जो है गाड़ी में आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बजाज का लोगो, इधर भी सेम आपको सेकेंडरी की मिलेगी, बाकी की कुछ इस टाइप की मिलेगी, और गाड़ी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। तो की करके देखें तो गाड़ी जो है आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। बढ़िया लंबी सीट है, यहाँ पर आपको इंजन जो है वो कुछ इस जगह पर मिलने वाला है। फ्रीडम नाम है इस गाड़ी का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बजाज के लोगों के साथ नीचे फ्रीडम मिलेगा। इधर भी आपको फ्रीडम मिल जाएगा, यहाँ पर जो है आपको फ्रीडम में ई जो है वो इंडियन फ्लैग की तरह देखने को मिलेगा। बाकी गाड़ी जो है थोड़ी छोटी सी है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। बाकी इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग इसको ऑन करें तो अब ये लाइट ऑन नहीं होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पर लाइट ऑन नहीं होगी। यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके की लाइट्स मिल जाएंगी, और इसमें नंबर प्लेट की प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर जो है अपने नंबर प्लेट को प्लेस करा सकते हैं। हैलोजन वाले इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस शेप में हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया छोटे छोटे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है पाइप वाला जिसका फ्रेम है उसकी जो है आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इधर बात कर ली जाए तो आपको जिसके शॉकर हैं वो पूरे कवर रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको रेड स्ट्रिप मिल जाएगी, अभी रेड कलर है तो यहाँ पर रेड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगेन फ्रीडम की ब्रांडिंग। इधर आपको जो मडगार्ड है वो आपको डुअल कलर में मिल जाएगा, ये रेड। इधर आपको थोड़ा सा सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। बाकी जो अपना ये टायर है सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो 90/80/17 का यहाँ पर आपको टायर मिल जाएगा। टायर काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी टायर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसमें जो आपको एलॉय व्हील है उस पर भी आपको जो है यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे रेड कलर के। बाकी गाड़ी का जो अपना लुक है वो आगे से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। साइड से अगर बात कर रहे हैं गाड़ी के तो साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको पूरा इंजन यूनिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं अभी आप लोग को इसका CNG टैंक भी दिखाऊँगा। यहाँ पर आपको जो है NG404 की ब्रांडिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जो है मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके की सीट, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, यहाँ से सीट शुरू हो रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो दो लोग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तीन लोग भी बैठ सकते हैं। अगर आप लोग अपने बच्चा बैठाना चाहें वो भी यहाँ पर पूरा बढ़िया आ जाएगा। इधर आपको जो है यहाँ पर क्रैब रेल मिल जाएगी रेड कलर की। और अब बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। टायर की बात कर ली जाए तो टायर भी अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा वाइट टायर मिलेगा। यहाँ पर आपको CNG का स्टिकर मिलने वाला है। यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ पर आप लोग इसकी टेल लाइट चेकआउट कर सकते हैं। इधर जो है आप लोगों को इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। बाकी अभी रियर में भी बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे इंजन की। इंजन 125cc का यहाँ पर इंजन मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर है 9.3 BHP और 9.7 Nm का यहाँ पर टॉर्क मिल जाएगा हमें। 5-speed का यहाँ पर ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जिसमें आपको 1 down और 4 आप मतलब 4 पीछे की तरफ अपने गियर पड़ेंगे। बाकी इधर जो है आपको साइड स्टैंड मिल जाएगा, नीचे मेन स्टैंड मिल जाएगा, स्टैंड वगैरह पूरे मिलेंगे। इधर जो है आपको पूरा यहाँ से इसकी चेसी दिखेगी, जो कि देखने में अलग सी लग रही है। और ये जो है ये आपको सिल्वर फिनिश में मिलने वाली है। लुक की बात करें तो गाड़ी आप लोग बताइए कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं इसके टैंक की। CNG टैंक की जो प्लेसमेंट है वो इसके अंडर है, अंडर द सीट। यहाँ से आप लोग को दिखता हुआ ये अपना इसका CNG टैंक है। बाकी यहाँ से इसकी CNG पड़ेगी, 2 किलो का CNG का टैंक आता है इसमें, जिसमें आप लोग को 100 किलोमीटर पर KG का जो है माइलेज मिलने वाला है। तो 2 किलो CNG पड़ेगी, अराउंड से 200 किलोमीटर गाड़ी ये CNG से चलेगी। बाकी इसमें 2 लीटर का एक आपको जो है 2 से 3 लीटर का यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ से अपना आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से फ्यूल आ जाएगा, यहाँ से अपनी CNG पड़ेगी। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से अलग करके यहाँ से CNG पड़वा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है आप लोग को सिलेंडर वगैरह की सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसका जो है सिलेंडर की भी जो अपनी सर्विस है वो टाइम टू टाइम आपको करानी पड़ेगी। बाकी आप लोग इसको कुछ इस तरीके से
ऐसे करके इसको लॉक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि गाड़ी जो है सीएनजी पे चलेगी कैसे। तो यहाँ पर जो है आपको एक सेलेक्टर दिया गया है, यहाँ से आप लोग उसको सीएनजी पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना नॉर्मल पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगा। कनेक्टेड फीचर आते हैं मोबाइल के साथ वाले, तो यहाँ से आप लोग कॉल पिक वगैरह कर सकते हैं। हेडलाइट का जो अपना हाई लो, यहाँ से अपनी पास चलेगी। इधर इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर अपने हॉर्न मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाएगा। जो हैंडल है वो गाड़ी का, आपको जो हैंडल बार है वो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा यहाँ पर अपने जगह। अब बात करते हैं इसकी MID की। तो यहाँ पर जो है आपको जो डिस्प्ले है छोटी सी है, लेकिन ये जो है पूरी डिजिटल रहने वाली है। यहाँ पर आपको है का मैसेज मिल जाएगा, इधर आप लोग को जो है वो पता चल जाएगा अभी पेट्रोल मोड में है। और अगर हम इसको ऊपर की तरफ करें तो ये जो है अपनी CNG मोड में चली जाएगी। यहाँ से आप लोग CNG का फ्यूल गेज चेकआउट कर सकते हैं। ट्रिप मीटर आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, वॉच मिल जाएगी। यहाँ से जो है आप लोग KG और कितना वो अपना जो एवरेज वगैरह है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। इधर आपको जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, कौन से गियर में गाड़ी है। ऊपर की तरफ आपको जो है लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट है, इधर न्यूट्रल की लाइट है, CNG की, इंजन चेक लाइट वगैरह आपको सब मिलेंगी। बाकी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ऑडोमीटर, क्लॉक, ब्लूटूथ और वगैरह सब आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको जो है इसमें देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोग इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देखना चाहें ना, तो वो भी आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अपनी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ गई तो CNG पे जो गाड़ी है वो कितना एवरेज देगी वो आपको यहाँ पर जो है पता चलता रहेगा। डिस्क ब्रेक मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक पहले पर देखने को मिल जाएगा। और अगर डिस्क ब्रेक की बात कर ली जाए तो ब्रेकिंग में गाड़ी के कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिस्क ब्रेक का पूरा सेटअप मिल जाता है। डुअल कैलिपर का यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाला है। बाकी लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। और अब बात करें अगर इसके अपना टायर की, रियर टायर की, तो रियर टायर जो है वाइडेस्ट टायर मिलने वाला है। तो अगर इसके सेक्शन की बात कर ली जाए तो सेक्शन यहाँ पर आपको 120/70/16, तो 120mm वाइड टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें रियर, क्योंकि स्प्लेंडर में नहीं मिलता है। स्प्लेंडर से मोटर टायर यहाँ पर मिल रहा है, बड़ी सस्पेंशन मिल रहे हैं, CNG का सपोर्ट मिल रहा है, 100 km/kg बहुत ही बड़ा नंबर है, 100 km/kg गाड़ी चलेगी। बाकी प्राइसिंग की बात कर लें तो इस गाड़ी में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, ड्रम LED, डिस्क LED। तो जो इसका एक शोरूम प्राइस रहेगा बेस वेरिएंट का 94,000 से शुरू हो जाएगा और 109,000 का इसका आपको टॉप वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि डिस्क LED है। बाकी यहाँ पर जो है आपको जो इसका साइलेंसर वगैरह है वो कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, मैट ब्लैक में। ऊपर आपको जो है यहाँ पर पूरा एक सिल्वर कलर का कैप मिल जाएगा जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे और गाड़ी में आपको जो CNG टैंक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर डिटेल टू नोटिस ये देखिए, काफ़ी छोटी छोटी जगह जो है इस बार बजाज ने काम किया है। देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे तो। और जो इसका माइलेज है वो इसका एक प्लस पॉइंट रहेगा, CNG पे आपको 100 किलोमीटर चलेगी, ये एक अच्छा नंबर है। इंजन की पावर्स वगैरह की बात करेंगे इसका पूरा एक राइड रिव्यू चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन